नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से AS अकेडमी में। दोस्तों, हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपके लिए यूपी पुलिस परीक्षा में बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं पहले भी इसके कम से कम 8 से 9 वीडियोस बना चुका हूँ, जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आपको नहीं मिले हैं तो आपको मैं उन सभी वीडियोज़ की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और IMP है। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहला। दोस्तों, उसके पहले बता दूं कि दोस्तों ये जो वीडियो है ये बहुत ही IMP क्वेश्चन का है। तो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करते रहना। दोस्तों, क्वेश्चन क्रमांक पहला है हमारा है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। मतलब सदैव में जो सदैव है, सदैव में कौन सी संधि है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए सदैव की क्या होती है। सद धन एव यानी सदैव यानी सद, सद में क्या आ रहा है, आ धन ए। तो यहाँ पर दोनों स्वर हो गए, जब स्वर और स्वर का मेल होता है तो उधर पे क्या होती है हमारी, स्वर संधि। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। दो वर्णों से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, जब दो शब्द मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, इसका आंसर क्या है कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मैं क्या काम करता हूँ, एक दो क्वेश्चन या तो कहीं गलत कर देता हूँ या एक दो क्वेश्चन के आंसर आपसे पूछ लेता हूँ। दोस्तों, मेरा ऐसा कोई जान पूछ के नहीं करता हूँ, सिर्फ इसलिए करता हूँ कि आपको अपना IQ पता चल सके कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं और कितना अच्छा समझ रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ मेरा यही उद्देश्य होता है कि आप अच्छे से समझो। जब आप दोस्तों इसके सही आंसर मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे खुद खुशी होती है कि आप, चलो आप लोग अच्छे ध्यान से पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका आंसर जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो दोस्तों देखिएगा, यहां कहने का मतलब कौन सा शब्द है जो सही लिखा गया है, संसारिक। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा, स्रोत, कीर्ति और सर्वोत्तम। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए बी आंसर सही हो जाएगा, यानी स्रोत ऐसा लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब शुद्ध वर्तनी का फिर चयन करना, कौन सा शब्द सही लिखा है, कुमुदुनी। अब देखिए, और कुमुदुनी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, कुमुदिनी, कुमुदिनी ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। कुमुदनी नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, कुमदनी दुनून भी नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंठयुष्ट ध्वनि का उदाहरण है, यानी कंठयुष्ट मतलब आपके कंठ से कौन सा शब्द निकलता है। देखिए, जैसे आपने बोला का, फिर और, ता, ए बोला, तो आपका ए शब्द कहाँ से आ रहा है, कंठ से आ रहा है। ता, ता आपका कहाँ से आ रहा है, ता। देखिए, ता में आपके दांत भी जुड़ रहे हैं और जीभ भी बाहर आ रही हल्की, ता। इसके बाद और भी नहीं आ रहा है, का सीधा आपका निकल, तो ए आपका ऑप्शन नंबर आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी ध्वनि वाले शब्द में आपको सबसे बेस्ट आइडिया बताऊं आप इनके लिए क्या काम कर सकते हैं। जैसे का, आ, अनार से लेके छात्र ज्ञा तक, आप बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से इसको कम से कम 10 से 15 मिनट आप व्यायाम करोगे, इनको देखोगे बोल बोल के, तो आपको अभ्यास के दौरान पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द कहाँ से निकलता है, ठीक है। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। अब परोपकार में कौन सी संधि है, अब क्या हो जाएगा, परोपकार में पर धन उपकार, पर धन उपकार यानी परोपकार। अब पर में आ गया है ना, और उपकार, उपकार में यानी आ और ऊ का जब मेल होता है, तो दोस्तों आपका ध्यान रखना, आ और ऊ तो स्वर संधि तो है, लेकिन अब इस स्वर संधि का भी भेद हो गया, जब आ और ऊ का मेल होता है तो हमेशा गुण संधि बनती है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महूष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है। महूष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है, महूष्ण का दोस्तों क्या होगा, महाधन उष्ण, महा धन उष्ण, तो हो जाएगा महूष्ण। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, महू नहीं होगा, महा होगा है ना, महो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निराशा का सही संधि विच्छेद है। निराशा का जो सही संधि विच्छेद होता है, निराशा क्या होता है, निराशा का क्या होता है, निधन आशा यानी निराशा, ठीक है।
तो आपका हो जाएगा निराशा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताइए। दोस्तों इत्यादि का सही संधि विच्छेद के लिए आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। अब दोस्तों पवित्र पवित्र में कौन सी हो जाएगी आपकी अयादि संधि होगी, लेकिन इसका संधि विच्छेद करके आप मुझे बताना कि इसका एक्चुअल में क्या होगा, इसका संधि विच्छेद आप करके मुझे मैसेज करना, ठीक है, लेकिन आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। कौन सा शब्द है जो कृदंत प्रत्यय से बना है। तो बिकाऊ, रंगीला, कृपालु और दुधारू। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा, यानी जो बिकाऊ है वो किससे बना हुआ है आपका कृदंत प्रत्यय से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है। अन्वय का सही संधि विच्छेद दोस्तों आपका क्या होगा, अनुधन अय यानी अन्वय। तो दोस्तों अनुधन वय यानी अन्वय, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। उत धन हार से कौन बनेगा। उत धन हार से देखिएगा उतार भी नहीं बन सकता, आहार भी नहीं बन सकता, तो क्या बनेगा उत धन हार से उद्धार, यानी जो उद्धार लिखते हैं हम उद्धार, उद्धार बनेगा हमारा किससे, उत धन हार से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्वागत स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। स्वागतम स्वागतम में कौन सी संधि है। तो दोस्तों स्वागतम में गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या यण संधि। तो जो स्वागतम में संधि होती है दोस्तों वो होती है आपकी यण स्वर संधि। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। यशोदा यशोदा में जो प्रयुक्त संधि होगी दोस्तों वो आपका पहला ही ऑप्शन होगा सही आंसर, यानी यशोदा में आपका क्या होगा विसर्ग संधि होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है क्या, यानी सावधानी शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय हुआ है सावधानी। अब देखिएगा आपने क्या लिखा सावधानी, अब नी नी में क्या आ गया ई, सावधानी। तो कौन सा प्रत्यय बना आपका दोस्तों इधर पे, सावधानी में कौन सा प्रत्यय बनेगा ई, यानी सावधानी। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत जो प्रत्यय होते हैं वो तो आप सभी को पता होगा कि कृदंत प्रत्यय आपके हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना आपका कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में जो कृत प्रत्यय होते हैं दोस्तों उनकी संख्या क्या होती है, ऑप्शन नंबर बी यानी आपकी 42 संख्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो कौन सा, अनुधनवाद यानी आपका आएगा क्या, अनुधनवाद यानी अनुवाद। तो प्रत्यय आपका कौन सा बन जाएगा, अनु है ना, अनु बन जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। अब आवा मतलब देखो लावा, भुलावा, दिखावा और चढ़ावा। तो दोस्तों इसमें जहां भी आवा प्रत्यय जिसमें आएगा उसका प्लीज आप मुझे कमेंट इसका आंसर करना कि इसमें क्या आंसर हो सकता है। चलिए ठीक है, इसका आपको बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं। दोस्तों समास, संधि, छंद, अव्यय जो भी कहते हैं इसका आंसर आप मुझे बताना कमेंट करके इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों देखिएगा मैं एक एक दो दो आंसर इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप पूरा वीडियो देख लेते हो लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि हमने कितना सही समझा, कितना गलत समझा और कितना एक्चुअल हम पढ़ रहे हैं। इससे आपको अपनी काबिलियत पता चलती है कि यार हम जो दिन भर पढ़ते हैं उससे हमसे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते, मैं इसलिए बीच बीच में ये छोड़ देता हूँ, ठीक है।
समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है हमेशा संक्षिप्त, है ना, संक्षेप। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय समास चक्रपाणि, नीलोत्पलम, माता पिता और चतुर्युगम। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही हो जाएगा, नीलोत्पलम में आपका कर्मधारय समास है, ठीक है। नेक्स्ट है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है? जहां दोनों पद अप्रधान होते हैं तो वहां हमेशा आपको बिल्कुल पिक्चर खिल जाए, दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां हमेशा आपका बहुव्रीय समास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ, दीनानाथ में कर्मधारय, द्वंद, बहुव्रीय और द्विगु। तो देखिएगा, आप यहां से थोड़ा समझने की कोशिश करना कि देखो द्विगु भी नहीं हो सकता है, द्वंद भी नहीं हो सकता है। अब बात आती कर्मधारय और बहुव्रीय में, तो इसमें बहुव्रीय भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर ही सही होगा, यानी इसमें कौन सा होगा? कर्मधारय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, युधिष्ठर में कौन सा समास है? युधिष्ठर में आपका तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीय और अलुक। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा, यानी कर्मधारय बहुव्रीय समास होगा युधिष्ठर में, ठीक है। नेक्स्ट है, पंचवटी में कौन सा समास है? अब पंचवटी में कौन सा समास है दोस्तों? यहां बिल्कुल ध्यान रखना है, पंचवटी पंचानाम बटानाम समाराहा, इसको ऐसे ही बोलते हैं, पंचानाम बटानाम समाराहा, यानी पांच बटों का समूह। तो आप यहां पर मुझे इसका आंसर बताना दोस्तों, एक्चुअल में सही आंसर इसका क्या हो सकता है? या तो इसी में आंसर छुपा है या कोई दूसरा आंसर हो, जो भी आंसर होगा उसका मुझे कमेंट आप करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अविभाव समास और बहुव्रीहि। तो देश प्रेम में आपका तत्पुरुष समास होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में सही सामासिक पद है? किस में सही सामासिक पद है आपका? देखिए, पुरुष धनभी कोई सामासिक पद नहीं है, मंत्रिपरिषद सामासिक पद नहीं है, दिवारात्रि सामासिक पद नहीं है, त्रिलोकी, आप त्रिलोकी क्या है आपका? एक समास का पद, यानी जहाँ संख्यावाचक समास होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर, यानी तीन लोक, यानी इस टाइप से त्रिलोकी, यानी आपसे ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस मुख में कौन सा समास है? दस मुख में, यानी दस मुख मतलब दस मुख, जिसके हैं दस मुख उसको क्या कहेंगे आपको दोस्तों? बहुव्रीय समास। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर इधर पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में बहुव्रीय समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। तो मृगनयनी में आपका हमेशा कर्मधारय समास होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? यानी अनुकरणात्मक नहीं है, कौन सी है? मिमियाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना और झुटलाना। तो दोस्तों झुटलाना नहीं है, अनुकरणीय, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, कोई भी चीज़ को ममियाना, जैसे बकरी है वो ममियाती है, फड़फड़ाना कोई भी पकड़ दो फड़फड़ाएगी, हिनहिनाना यानी जैसे घोड़ा हिनहिनाता है, तो वैसे नहीं। बट इसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द हमेशा यौगिक शब्द होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अब देशज शब्द होता क्या है, पहले तो मैं आपको एक बता दूं, आपने सुना होगा देशज और विदेशज। तो देशज शब्द वे होते हैं जो हमारे भारत में उत्पन्न हुए हैं, उन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। और विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेश से आए हुए हैं, जैसे मतलब अरबी भाषा से आए हैं, फारसी से आए हैं, कुछ इंग्लैंड से आए हैं, कुछ उर्दू से आए हैं, इनको बोलते हैं हम विदेशज शब्द, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब लोटा तो हमारे भारत का ही बना हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोटा, यानी कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है, देशज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द दोस्तों आपका जलज, वैभव, वैभव और मलयज और पंकज। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा, वैभव, है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों देखिएगा, इधर पे हमने 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब प्लीज मैं बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि आपके दोस्तों के लिए बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो यदि दोस्तों आप दूसरों की मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी बहुत मदद करेगा, इस बात तो तय है। यदि आप दूसरों की मदद करोगे तो ईश्वर ऑटोमेटिक आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और दोस्तों मैं एक बात बता रहा हूँ जो आपकी ज़रूरत है, दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैं बीच में फिर से बोल रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मैं आंसर छोड़ देता हूँ, या कुछ बाय मिस्टेक जान पूछ के एक दो को इधर उधर कर देता हूँ। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं उसको गलत बता रहा हूँ, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। इससे आपका ही बेनिफिट है, आपका IQ टेस्ट होता है, और आप अपने आप को जज कर पाते हो कि आप सही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और जब तक के लिए नमस्कार।